हाय दोस्तों, मैं हूं प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo की एक फुल रिव्यू। और इस स्मार्टफोन को मैंने बहुत दिन पहले ही परचेस कर लिया था और इसका मैंने कोई भी फुल रिव्यू या फिर कोई अनबॉक्सिंग मैंने पोस्ट नहीं किया, क्योंकि इसको मैंने यूज़ करने के बारे में सोचा। तो इसको यूज़ करने के बाद कुछ दिन, अभी फिलहाल एक हफ्ते के ऊपर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको एक फुल रिव्यू इसके बारे में पोस्ट करूँगा। तो अगर आप भी इस नए सैमसंग के स्मार्टफोन को, जे सीरीज़ के स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहे, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर दूर कर दूंगा। सो दोस्तों, यहां पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये Samsung Galaxy J7 Duo कौन सा मॉडल है Samsung का, तो मैं आपको बोलूंगा कि 2018 के अंदर Samsung ने इसको लॉन्च किया है, हाल ही में इसको लॉन्च किया है। तो अप्रैल के मंथ में Samsung ने इसको लॉन्च किया है, तो काफी नया एक मॉडल है और इसका मॉडल नंबर है Samsung Galaxy J7 Duo। तो इसके अंदर बेसिकली डुअल कैमरा का फीचर देखने को आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड का लेटेस्ट ओरियो का वर्जन आपको देखने को मिल जाता है, और उसके अलावा आपको इसके अंदर और भी बहुत सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको सारे प्रोज एंड कॉन्स आप सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सो दोस्तों, अगर इसके अंदर डिस्प्ले की बात करूं तो इसके अंदर एक प्रोज भी है, इसके अंदर एक कॉन्स भी है। तो सबसे पहले अगर प्रोज की बात करूं तो डिस्प्ले इसके अंदर फुल HD रेजोल्यूशन है नहीं, इसके अंदर आपको बस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले एक काफी अच्छा व्यूइंग एंगल के साथ आता है और जो पिक्सल्स है वो आपको काफी अच्छे तरीके से देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपको जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है और डिस्प्ले की व्यूइंग एंगल और क्वालिटी है वो आपको ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एक डिस्प्ले अच्छा सा परचेस करना है, मतलब कि एक अच्छा स्मार्टफोन के अंदर एक अच्छा डिस्प्ले चाहिए, तो आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले डेफिनेटली प्रेफर करना चाहिए। और अगर इसके अंदर बात करो रेजोल्यूशन की, तो इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो है 1280x720p, यानी कि इसके अंदर आपको फुल HD नहीं मिलते, इसके अंदर HD का रेजोल्यूशन है। तो मुझे लगता है कि ये एक कौन है इसके अंदर, लेकिन फिर भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले HD रेजोल्यूशन के साथ आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस एक व्यूइंग एंगल प्रोवाइड कर देता है। सो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसके अंदर आपको एक फुल मेटल यूनिबॉडी की बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलती। तो इसके अंदर अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसके सामने आपको एक 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिल जाता है, जो कि साइड में आपको मेटल कंस्ट्रक्शन मिलता है, तो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। लेकिन इसके पीछे की जो बिल्ड क्वालिटी है वो कंप्लीटली प्लास्टिक से बनी हुई है, और इसके पीछे का जो बैक पैनल है वो आप रिमूव कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर एक रिमूवेबल बैटरी जो कि 3000mAh की बैटरी है उसके साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, लेकिन मुझे पर्सनली इसका बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक लगा, और बिल्ड क्वालिटी उतना भी ज्यादा बुरा नहीं, उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है। तो बिल्ड क्वालिटी सामने की तरफ काफी अच्छा है और पीछे की तरफ प्लास्टिक है। सो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस Samsung Galaxy J7 Duo के अंदर आपको एक लेटेस्ट तो नहीं, लेकिन एक नया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि Exynos का 7885 का प्रोसेसर है, और होपफुली दूसरे Samsung के स्मार्टफोन्स की तरह इसके अंदर 7870 का प्रोसेसर नहीं, इसके अंदर थोड़ा सा नया 7885 का प्रोसेसर Samsung ने प्रोवाइड किया है। और ये जो प्रोसेसर है वो मैं आप सबको बोलूंगा कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, और अगर आप इसमें हैवी टू मॉडरेट गेमिंग भी करेंगे फिर भी आपको इसके अंदर कोई भी इतना ज़्यादा आपको ओवरहीटिंग नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और लैगिंग और हैंगिंग के इश्यूज मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी फेस करने को नहीं मिले हैं, जितना एक हफ्ते के ऊपर मैंने इसको यूज़ किया है। सो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं सेंसर्स की। तो सेंसर्स की बात करूँ तो सैमसंग डिवाइसेस के अंदर आपको हमेशा सेंसर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इस स्मार्टफोन के अंदर भी सेम है। तो सेंसर्स की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स मिसिंग मिलते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और कुछ और सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर बात करूँ फेस आईडी स्कैनर की, तो जी हाँ, आपको इसके अंदर फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि 2018 में ये फीचर सैमसंग ने प्रोवाइड करके काफ़ी अच्छी एक काम यहाँ पे किया है। सो दोस्तों, यहाँ पे फाइनली बात करते हैं कैमरा सेगमेंट की। तो इस स्मार्टफोन की जो हाइलाइटिंग फीचर है वो है इसके कैमरास। तो कैमरास की बात करूँ तो इसके अंदर कैमरा क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगी है। तो अभी आप जो ये वीडियो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो जो वीडियो है वो शूट किया गया है इस Samsung Galaxy J7 Duo से, और मुझे पर्सनली इस कैमरा का जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा लगा है। स्पेशली ऑटो फोकसिंग के मामले में ये कैमरा काफ़ी फास्ट है, और अगर आप अपने स्क्रीन पे अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑटो फोकसिंग काफ़ी अच्छे से हो रहा है। और इस वीडियो के अंदर अभी जो क्लिप आप देख रहे हैं वो मैंने अपने हाथ से मैन्युअली ऑटो फोकस नहीं किया है, ये इसका ऑटो फोकस है। तो ऑटो फोकस इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन है। और वीडियो सैंपल्स और अगर फोटो सैंपल्स की बात करो तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे थोड़ा सा शो कर देता हूँ, तो आपको एक क्विक आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर जो सेंसर है, जो इसका कैमरा क्वालिटी है वो कैसा है। और मैंने पर्सनली फील किया है जो Redmi Note 5 Pro का पोर्ट्रेट मोड है बैक कैमरा का, उसके साथ वो काफ़ी अच्छे से कम्पीट करता है, और आपको इसके अंदर काफ़ी बेहतरीन पोर्ट्रेट शॉट्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपको सैमसंग का कोई स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर आपको लेटेस्ट कैमरा फीचर्स देखने को मिल जाए, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है।
सो दोस्तों उसके बाद इसकी और एक अच्छी चीज़ की बात करो तो वो होगी इसकी यूज़र इंटरफेस। तो अगर इस स्मार्टफोन की यूज़र इंटरफेस की बात करो जो कि बेसिकली इसका यूआई है, जो कि मैंने आप सबको पहले भी बोल दिया है कि इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड तो नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको सैमसंग का कस्टम स्क्रीन मिलता है, उसके अंदर आपको एंड्रॉयड का ओरियो 8.1 का लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस और काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन और थीम्स और फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड करता है। तो मुझे पर्सनली जो यूज़र एक्सपीरियंस है इस सैमसंग गैलेक्सी J7 Duo के अंदर वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ इस स्मार्टफोन को पर्सनली यूज़ करने के लिए, तो शायद से आपको भी सेम फील हो। सो दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं बैटरी की। तो बैटरी की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 3000 mAh की एक रिमूवेबल बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप 100% चार्ज करते हैं तो अगेन मैं इसकी बैटरी के बारे में और एक चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो बैटरी की बात करूँ तो अगर आप इसको सुबह 100% चार्ज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली शाम के 5-6 बजे तक आपका जो बैटरी है वो 0% या फिर 10% के नीचे आ जाएगा, तो आपको बैटरी में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या फिर कन्फ्यूजन नहीं एक्चुअली थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो बैटरी सेगमेंट में आपको ये स्मार्टफोन थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर इस बैटरी की अगर एक अच्छी चीज़ की बात करूँ तो बैटरी के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग तो टेक्निकली इन पेपर नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली आपको बैटरी के अंदर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर अगर मैं हाफ एन आवर के लिए इसको चार्ज करूँ तो ये 20-25% से लेके ये डायरेक्टली 50-60% चार्ज हो जाता है, तो मुझे पर्सनली बैटरी चार्जिंग का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मैं आपको बोलूँगा कि बैटरी का चार्ज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 day के आसपास लास्ट तो नहीं करेगा, 1 या फिर 2 घंटे पहले ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो चार्जिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी स्पीकर की। तो स्पीकर की बात करूँ तो इसके अंदर जो स्पीकर है वो क्वालिटी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा लाउड भी नहीं है, इतना ज़्यादा कम भी इसका साउंड नहीं है, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है वो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि इसका जो स्पीकर प्लेसमेंट है वो पीछे है, जो कि कैमरा के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में आप बोल सकते हैं। तो कैमरा के साइड में अगर स्पीकर उन लोगों ने प्रोवाइड किया है तो अगर इसको हम किसी सरफेस में रखते हैं तो जो स्पीकर है वो ब्लॉक हो जाता है और इसका जो साउंड है वो हमको आएगा नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इसको प्लेस करें तो आप इसको उल्टा प्लेस करें ताकि इसका स्पीकर ब्लॉक ना हो। तो स्पीकर का क्वालिटी ठीक है, इसका लाउडनेस भी ठीक ठाक है, लेकिन डिसेंट है, लेकिन इसका जो प्लेसमेंट है वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। सो दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं इसकी और एक बुरी बात की, वो है इसकी LED नोटिफिकेशन लाइट। तो इसके अंदर आपको LED नोटिफिकेशन का लाइट मिसिंग मिलता है, तो इसके अंदर अगर एक फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट सैमसंग प्रोवाइड करता है तो काफ़ी अच्छी एक बात होती, लेकिन इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मिसिंग है LED नोटिफिकेशन लाइट। लेकिन इसके अंदर एक फीचर है जो कि सैमसंग अपने सारे ही स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड करता है, जो कि ये है कि अगर आपने इसको इस फीचर को ऑन कर दिया तो अगर आपका कोई अनडिड नोटिफिकेशन रहता है तो 1 मिनट या फिर 2 मिनट जितना भी आप इंटरवल सेट करते हैं इस इंटरवल के बाद वो आपको नोटिफाई कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन यानी कि अनडिड नोटिफिकेशन मौजूद है। तो अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें तो मैं आप सबको ओवरऑल बोलूंगा कि अगर आप एक सैमसंग के बहुत बड़े फैन हैं और आपको एक सैमसंग का स्मार्टफोन चाहिए 2018 के अंदर तो आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबको पर्सनली बोलूंगा कि अगर आप ऐसे टाइप के कस्टमर है जो कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कम दाम में आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मिले तो आप रेडमी के कोई स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं या फिर लिनोवो या फिर बहुत सारे स्मार्टफोन्स है जो कि ऑब्वियसली काफ़ी बेहतरीन प्राइस टू स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, तो आप वो सारे स्मार्टफोन कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है वो प्रैक्टिकली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो अगर आपको सैमसंग का कोई प्रैक्टिकल स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। काफी अच्छे कैमराज है, काफी अच्छा बैटरी चार्जिंग स्पीड है और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यूजर इंटरफेस के साथ लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन के साथ आता है। सो दोस्तों बस आज की वीडियो बस इतना ही था, तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।